तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे एक पर्टिकुलर व्यूअर को या फिर कहिए हर उस दूसरे व्यूअर को भेजा जाता है जॉब के नाम पे, इस बात का दावा करते हुए कि आपका सिलेक्शन हो गया है और अब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट नंबर वन, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते। पॉइंट नंबर टू, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेरी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए, एयरलाइन में जॉब पाने के लिए और कैसे जॉब पाते हैं, इंटरव्यू कहाँ होता है, इन सब का डिटेल पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे घंटी जरूर बजा लीजिएगा। पॉइंट नंबर थ्री, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करें या फिर मुझे फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, दोनों की आईडी सेम है फ्लाई एयर इंडिया, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने ऐसे ही जाकर ऑनलाइन चेक किया एयरलाइन जॉब, उनके पास वहां पे दो तीन चीजें दिखाई। सबसे बड़ी बात है वो जहां पर थे वहां पे आसपास कोई एयरपोर्ट भी नहीं था, लेकिन उनके लोकेशन में दिखा रहा था कि ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, केबिन क्रू की वैकेंसी है। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था और मैं देखकर दंग रह गया कि वहां पर उनके लोकेशन में बता रहा है कि वहां पर वैकेंसी है। कोई बात नहीं, मेरे ये सब्सक्राइबर न्यू थे इस सेक्टर में, उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने में उन्होंने अपना पूरा डिटेल डाला, मोबाइल नंबर डाला, एक घंटे बाद उनके पास कॉल आती है और वो कॉल वाले लोग बोलते हैं कि आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया था? इन्होंने कहा हाँ। कॉल करने वाले ने कहा कि सबसे पहले हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास भेज दीजिए। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया और ईमेल आईडी भी दिया। हमारे जो सब्सक्राइबर भाई साहब हैं, इन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको वहां पर भेज दिया। तीन घंटे बाद उनके पास दोबारा कॉल आता है और बोला जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और आपको अब इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड से गुजरना होगा, जो कि आज शाम 3 बजे होगा। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए इसके लिए तैयार हूं। दोस्तों 3 घंटे बाद उनके पास एक कॉल आती है जिसमें उनको ऑनलाइन इंटरव्यू करके बताया जाता है और फिर उसके बाद बोला जाता है कि इसका रिजल्ट आपको अगले दिन बता दिया जाएगा। सुबह अगले दिन सुबह 10 बजे उनके पास कॉल आता है और बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ये सुनने के बाद हमारे जो व्यूअर है बहुत खुश हुए, भगवान को प्रसाद चढ़ाए कि भगवान लगता है कि मेरी नौकरी लग जाएगी। एक घंटे बाद उनके पास दोबारा कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्यादा नहीं 750 यानी 750 रुपीज आपको पे करने होंगे। हमारे व्यूअर ने सोचा कि भाई क्या करें, 750 रुपए है, कोई उतनी बड़ी अमाउंट है भी नहीं, चलो पे करते हैं 750 रुपए में, अगर जॉब मिल जाए तो क्या कहने हैं। इन लोगों ने क्या किया कि यहां पर पेमेंट कर दिया और पेमेंट के लिए जो भी डिटेल्स था आप वहां पर अभी देख पा रहे हैं। दोस्तों मैंने ब्लर कर रखा है, वहां पे उनको ये सारा सब कुछ कर दिया। जब इन्होंने पेमेंट कर दिया उसके बाद इनके मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि सर आप लोगों ने तो पैसे लिए, लेकिन मैंने एक जगह देखा था अपने YouTube चैनल में एक सर हैं जो कि बताते हैं कि पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि पैसे लगते हैं, ये 750 रुपये मैंने दे दिए, ये किस लिए हैं? तो ये बोले कोई बात नहीं है, रिफंडेबल अमाउंट है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये 750 रुपये मिल जाएंगे। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन लोगों ने बोला कि आप चाहें तो हमारा सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उन नौकरी देने वाले लोगों ने इन्हें अपने साइड से कम 10 डॉक्यूमेंट भेजे जिनमें उनका आई कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, पूरा लोकेशन, एड्रेस, यहां वहां सब कुछ, ईमेल आईडी सब कुछ भेज दिया और ये बोला कि हम आपको ये इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम लोग फ्रॉड नहीं है। दोस्तों यहां एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी कंपनी में जाकर अप्लाई कीजिए, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस, गो एयर, एयर एशिया या किसी भी कंपनी में आप जाकर उनसे, कंपनी वालों से केवल एक डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगिए कि आप मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाइए तभी यकीन करूंगा। मैं दावा करता हूं, ठोक कर बोलता हूं, डॉक्यूमेंट देने की बात तो बहुत दूर है, आपके मेल का जवाब तक कोई नहीं देगा। लेकिन क्या बात है कि यहां पर आपके मन में थोड़ा सा डाउट हुआ तो वो लोग आपको 10 से 12 डॉक्यूमेंट भेज दिए।
इस सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद हमारे व्यूअर के मन में बात आ गया कि ओह लगता है कि अब तो बस बात बनने वाली है, बिल्कुल सही आदमी है, पूरा अपना डिटेल भेज रहा है। दोस्तों यहां एक बात कहना चाहूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं कर्ज के यहां से वहां करके इनका एक पूरा सिस्टम होता है, फ्रॉड में लगा रहता है। इसके बाद इन्हें बोला जाता है कि आपका सेकेंड राउंड का इंटरव्यू होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ना, तो हम जिसको बुलाकर इंटरव्यू करवाएंगे उसको भी कुछ खर्चे पड़ते हैं, इंटरनेट का खर्चा है, ये वो करके आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल इनको मायाजाल में फंसाकर इनसे उन्होंने 1850 रुपए ऐंठ लिए, 750 और 1850। इसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ, वहां पर ऑनलाइन इनको इतना बढ़िया माहौल बनाया गया कि भाई साहब खुश हो गए और बस जॉब के बारे में ये सपने देखने लगे। उसके बाद एक घंटे बाद इन्हें फोन करके बताया जाता है कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हो गया है, अब हम आपको कूरियर के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब भेज रहे हैं, और चूंकि ये आपके जॉब की बात है इसलिए ये कूरियर का जो खर्चा है ये आपको ही उठाना पड़ेगा, और बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपके सारी चीजें हैं, इसलिए हम इसको नॉर्मल डाक से नहीं भेज सकते, हम इसे बहुत A1 ग्रेड्स के जो कूरियर सर्विस है उससे भेज रहे हैं और उसमें आपको 2250 रुपए लग रहे हैं। भाई साहब ने सोचा कि यार कोई बात नहीं, इतने पैसे दे दिए हैं और देते हैं, यहां पर भाई साहब 2250 रुपए उन्हें पे कर देते हैं, और उसके बाद भाई साहब वेट कर रहे होते हैं। जब एक दिन तक इनके पास कोई कॉल नहीं आती है तो ये उस नंबर पे कॉल करते हैं, तीन बार कॉल करने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो चौथी बार भगवान की कृपा से इनके पास ही कॉल आ गया और वो बोले कि भाई साहब सॉरी, हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इनफैक्ट जब हम लोग आपका डॉक्यूमेंट भेज रहे थे तो कंपनी ने बोला कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसीलिए उन्हें घर से ही काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्हें लैपटॉप और सारी चीजें जो होती हैं आप भेज दो, यानी कि डॉक्यूमेंट, लैपटॉप और साथ में उनका यूनिफॉर्म भी भेज दो। भाई साहब अपना घर पे ही बैठकर ये आपको सारा काम करेंगे, और उनको जो सैलरी बताई गई थी वो बताई गई थी 55,000 यानी 55,000 रुपीस, और इसके लिए इनको बोला गया कि आपको पैसे हमें भेजने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचेगा, कूरियर पहुंचेगा, तो आप उसे छुड़ा लीजिएगा। भाई साहब खुश, अब कुछ पैसे नहीं देने हैं। तीन दिन बाद इनके पास एक कूरियर पहुंचता है और उसको छुड़ाने का जो अमाउंट होता है वो होता है 12,000 रुपए। इसके बाद की कहानी क्या है अगर आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो इस वीडियो का पार्ट टू मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहीं पे कहना चाहता हूं, भूल के भी इस तरह के चक्कर में न पड़े दोस्तों, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ऑनलाइन कहीं भी जाकर यहां वहां सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हाथ मारने से जॉब नहीं मिलती है। तो आप पूछेंगे कि जॉब कैसे मिलती है, तो दोस्तों मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल दे रहता हूं, तो मुझे फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं डिटेल नहीं डालता हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया है उसमें सच्चाई है और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम 10 लोगों को ताकि वो भी फ्रॉड से बचे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।